मजदूर संगठनों की देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के तहत मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर वाम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। मंडी जिला मुख्यालय पर मजदूर संगठन मिट्टू के बैनर तले कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें मिड डे मील कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, मनरेगा मजदूर, आउटसोर्स पर रखे गए बिजली कर्मचारी, स्वास्थ्य, सीवरेज व आईपीएच मजदूरों के अलावा कई संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंडी के शेरी मंच से होते हुए चौहाटा बाजार तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लाल झंडा यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडी के चौहाटा बाजार में सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई संगठनों के नेताओं ने अपना संबोधन किया। नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की वजह से आंगनबाड़ी मिड डे मील कार्यकर्ताओं के अलावा अनुबंध व ठेके पर रोक लगाई जाए और कर्मियों का शोषण रोका जाए। वहीं दवा प्रतिनिधि रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए जाने, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किए जाने की मांग करते रहे। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने तथा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लिए जाने की मांग भी की गई। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के जोगिंद्रनगर, सरकाघाट व अन्य स्थानों पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस देशव्यापी हड़ताल में सभी संगठन उनके साथ हैं। आज ये जो दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल, इस हड़ताल के अंदर 13 जो बड़ी ट्रेड यूनियन है वो ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान के ऊपर जो हड़ताल है, हड़ताल की जा रही है। इसके अंदर मंडी जिला के अंदर भी 3 जगह पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सीटू के लोग 3 जगह पर प्रदर्शन चल रहा था, या मंडी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन चल रहा है, जोगिंद्रनगर में प्रदर्शन चल रहा है और अभी सरकाघाट में प्रदर्शन चल रहा है। कसो का प्रदर्शन जो तो हमने कल के लिए रखा है, कसो में हम कल प्रदर्शन करेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आए दिन ये जो सरकारी संस्थान है, इन संस्थानों का जो निजीकरण मोदी की सरकार कर रही है, इस निजीकरण को रोका जाना चाहिए, स्कीम वर्करों को पक्का किया जाना चाहिए। 4500 श्रम सम्मेलन के अंदर सिफारिशें लागू करनी पारित की गई थी, उन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, जिसके मुताबिक जितने भी हिंदुस्तान के अंदर स्कीम वर्कर हैं उन स्कीम वर्करों को पक्का किया जाना चाहिए। और आज ये जो अखिल भारतीय हड़ताल है, सरकार के अंदर एक मोटे अनुमान के मुताबिक 25 करोड़ जो लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल में हिस्सा लेंगे।